नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारा ट्यूब चैनल एग्जाम इंसाइडर पर, जहाँ पर आज हम लेके आए हैं मल्टी टास्किंग का जो है हमारे यहाँ पर जो है सेट लेके आए हैं, जो आपका हुआ था 5/10/2021 को जो ये हुआ था। और ये जो है आपकी सेकंड शिफ्ट है, ठीक है? तो ये आपकी जो है सेकंड शिफ्ट यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उस सही विकल्प का चयन करना है जो किसी पुस्तक की निम्न सामग्री के तार्किक और सार्थक क्रम को जो है निरूपित करता है। तो देखिएगा, कोई बुक है, ठीक है, तो कोई बुक है, उसके जो है यहाँ पर जो है हमें देखना है सबसे पहले क्या आता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है नहीं आएगा, तो आता है हालांकि पहले, लेकिन प्रस्तावना से पहले आपका आ जाएगा आवरण पृष्ठ। देखिए कोई भी बुक होगी, कोई भी जो है बुक होगी, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका आवरण पृष्ठ, तो नंबर एक। उसके बाद आपका, ठीक है, आपका जो है फिर वहां पर प्रस्तावना मिलेगा, नंबर दो। नंबर तीन पर क्या आएगा, नंबर तीन पर आपका आएगा विषय सूची, अध्याय, ग्रंथ सूची। देखिए ग्रंथ सूची तो बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा, तो आप इसको जो है नंबर पॉइंट डाल दीजिएगा, विषय सूची आएगा। तो ठीक है, विषय से रिलेटेड आने वाला है विषय सूची, तो ये आ जाएगा आपका नंबर तीन पर। और नंबर फोर्थ बचा है बहुत, अध्याय आ जाएगा। तो देखिएगा क्या क्रम बनेगा, एक तो आपका क्रम बनेगा यहाँ पर पांच, दूसरे नंबर पर है एक आपका, तीसरे पे है फिर आपका अध्याय नहीं विषय सूची, तो फिर आपका आ जाएगा दो, और फिर आपका आएगा क्या, फोर्थ नंबर पर आपका अध्याय मतलब नंबर तीन पर, और लास्ट में आ जाएगा नंबर चार मतलब ग्रंथ सूची। तो इस तरीके की जो आपका ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर वन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन वन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक काम जरूर करना है आपको, हमारे चैनल को जो है यहाँ पर आपको जो है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जो है लाइक करना है, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है जल्दी जल्दी लाते रहें। और जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट हैं आपके एसएससी एग्जाम, जो भी एसएससी एग्जाम में एस्पिरेंट हैं उनके लिए जो है बिल्कुल जो है इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें जो है रिप्यूटेशन बहुत होता है एसएससी में। अदरवाइज और एग्जाम का मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं केवल जो है आपके लिए एसएससी की बात कर रहा हूँ। एसएससी का जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर रिप्यूटेशन होता है, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से किसी तीन प्रकार समान है जबकि एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का जो है हमें यहाँ पर चयन करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ए, बी और आपका आई। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमको जो है डिकोड करना है। ए होता है आपका नंबर एक, नंबर चार, आई होता है आपका कितना, नौ, ठीक है? तो ये हो गया। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर प्लस तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, और यहाँ पर कितना करेंगे, पांच चार नौ प्लस पांच, तो ये इस तरीके से जो यहाँ पर जो है इसकी कोडिंग की गई है। अब देखते हैं अगला, ई एच एम, ये आपका ई, आपका एच और आपका यहाँ पर ये एम, ठीक है? ई कितना होता है, डी ई, ई मतलब फाइव, एच हो गया आपका कितना एट, एम आपका हो गया 13। अब देखिएगा इसमें कितना डिफरेंस है, पांच और तीन आठ प्लस तीन, और एच आठ और तेरह मतलब प्लस पांच, तो यहां पर भी वही जो है कोड फॉलो किया गया है जो फर्स्ट में किया गया है, मतलब ये दोनों अभी तक सेम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, एफ जे एन, एफ जे और आपका कितना एन, ठीक है? एफ, एफ कितना होता है आपका, एफ होता है आपका ई एफ सिक्स, जे होता है आपका कितना 10, और एन होता है आपका 14, ठीक है? तो देखते हैं, छ चार 10 प्लस चार, 10 में चार जोड़ा तो आपका आ गया 14, ठीक है 14। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर, लेकिन अलग तरीके की जो है कोडिंग है इस वाले, उसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर प्लस चार है और यहाँ पर भी प्लस चार है। तो देखिएगा यही जो है आपका आंसर हुआ है, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं करना, ये दोनों सेम है, ठीक है? तो ये भी ऑटोमेटिकली सेम होगा, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। स्टेटमेंट दी गई है और कंक्लूजन दी गई है, तो हमको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है यहाँ पर हमारा फिट बैठता है, सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट, सम बैग्स आर कवर, तो सम बैग्स हैं आपके वो क्या है आपके कवर हैं, ठीक है। कुछ ये वाला पोर्शन जो है आपका ये हो गया आपका, कुछ बैग जो है कवर है, ठीक है। ऑल सीट्स आर कवर, तो कवर के अंदर ही बन जाएगा आपका जो है सारी की सारी सीट्स, ठीक है। ऑल सीट्स आर कवर, तो इस तरीके से कुछ जो है बेन डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल कवर्स आर सीट्स, सभी कवर जो है सीट्स हैं, सभी कवर सीट्स हैं, नहीं कुछ कवर सीट जरूर हैं लेकिन ऑल कवर्स आर सीट बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखते हैं, सम बैग्स आर सीट्स, सम बैग्स आर सीट, नहीं कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन और नॉट फॉलो, हाँ यही हो जाएगा आपका सही, ठीक है। ना तो आपका पहला होगा ना दूसरा होगा, दोनों ही आपके गलत है, और तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन, नहीं दोनों गलत है, फॉलो नहीं करेंगे, ओनली कंक्लूजन वन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड, तो ये भी आपका जो है गलत है, ऑप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। यदि निम्न गणितीय चिन्हों को प्रस्तापित किया जाता है तो उस विकल्प का चयन करना है जो समीकरण को निरूपित करता है। अब देखिएगा क्या क्या गया है, डिवाइड को प्लस में बदल दिया गया है, मल्टीप्लाई को माइनस में, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, तो यहां पर जो है इनको रिप्लेस करना है। और आप इस क्वेश्चन को जो है खुद ही कर लीजिएगा, कोई इसमें बताने वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अब देखिएगा, फोकस आप अगर कहीं फोकस कर रहे हैं तो उसका अपोजिट होगा आपका डिस्ट्रैक्ट, मतलब आप कहीं भटक गए हैं। प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप अच्छे से कर रहे हैं, किसी चीज को अच्छे से आप काम कर रहे हैं। और तो देखिएगा ऑप्शन, केयरलेस बिल्कुल हो सकता है, इनसफिशियंट मतलब कमी, स्पेसिफिक मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट, स्ट्रिक्ट मतलब कड़ाई से। तो देखिएगा प्रिसाइज मतलब अच्छे से और केयरलेस मतलब लापरवाही से, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, जो कि आधारित है आपका डायग्राम पर। तो आपको जो है पैटर्न किया गया है, आपको जो है ये वाला जो है यहाँ पर फॉलो करके इसको पैटर्न को आपको ये जो फिल करना है। तो देखिएगा ये ट्रायंगल है यहाँ पर दो, और दो ट्रायंगल जो है इधर थे फिर इधर आ गए हैं, तो इसी प्रकार इधर से इधर आ जाएंगे। सबसे पहली बात, कि ट्रायंगल जो है इधर से इधर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल आपका जो है ऐसे आ जाएगा। अब देखना क्या है, इनमें जो ब्लैक, ये आपको जो है ब्लैक इधर है और ये इधर है, ये जो है आपस में जो है कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसमें जो टॉप पर ब्लैक है तो वो जो है बॉटम पर चला गया है, और जो बोट इधर वाला है वो इधर चला गया है, तो इसमें भी ऐसी जो है चेंज हो जाएगा। देखिए कहीं यहाँ पर बॉटम पर है तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से ब्लैक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इधर है तो इधर बन जाएगा, इसको जो है चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये वाला ब्लैक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगी इसमें, ठीक है, इसमें जो है, लेकिन हाँ ये वाला इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बन तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर टू में देखें, ये ब्लैक है और यहाँ पर ब्लैक है, हाँ तो ये हो सकता है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड, तो उसमें जो है ये वाला गलत होगा, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, में इधर है और इधर है, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ एक तक सही हो सकता है। अब देखिएगा इसमें क्या किया गया है, जो गोला है आपका वो चला गया है आपका कहाँ, नीचे, मतलब एक 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 पॉइंट ये जो है नीचे खींच के, देखिएगा ट्रायंगल फिर यहाँ पर चला गया है और ये वाला जो पोर्शन ऊपर चला गया है। इसी प्रकार होगा क्या कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सेकंड पर आएगा और ट्रायंगल वन पर आ जाएगा, और ये वाला जो स्टार है सबसे नीचे आ जाएगा, मतलब ट्रायंगल जो है आपका सबसे ऊपर, फिर ये वाला बीच में, और स्टार नीचे, इन दोनों में स्टार नीचे है, इसमें है स्टार नीचे, देखिएगा ट्रायंगल ऊपर है, तो
ऑप्शन नंबर टू आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ को फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है अच्छे समझ में आ गया हो। उस आकृति का चयन करना है जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो ये देखिएगा कुछ आकृति दी गई है और जो है चार आकृति दी गई है, पांचवें स्थान पर जो आएगी। वैसे तो इजी है, आप कर लोगे समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पर बता देता हूँ। अब देखिए कुछ इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो आपका जो है गोला है, ये आपका जो है इधर आया है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज एक जो है बढ़ चुका है अपनी पोजीशन पर, ठीक है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो अगली बार कहाँ आएगा देखिएगा, ये मैं गोला बना देता हूँ, तो अगली बार जो है पक्का है जो है यहाँ पर आएगा। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर टू गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ, हाँ फोर्थ आपका सही हो सकता है, अभी दो ऑप्शन बचे हैं। और ये देखिएगा ये आमने सामने यहाँ पर है, ये जो आपके जो एरो लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर जो है इस बार फॉलो करने लग रहे हैं एक दूसरे को, एक के पीछे एक है, ठीक है। और फिर ये जो है विपरीत डायरेक्शन में चले गए हैं, ठीक है, और फिर जो है ये फिर से फॉलो करने लग रहे हैं, मतलब एक बार जो है फॉलो कर रहे हैं, एक बार विपरीत हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हो रहा है। तो देखिएगा फॉलो कर रहे हैं, नहीं आमने सामने है, फिर फॉलो कर रहे हैं, फिर जो है आमने सामने है लेकिन वो इस पोजीशन पर है, तो अगली बार जो है एक स्किप करके यहाँ पर आ जाओ आप, तो यहाँ पर भी ये जो है आमने सामने होंगे लेकिन इस पोजीशन पर होंगे, इस पोजीशन पर देखिएगा इसमें, हाँ इसमें है, और इसमें देखिए ये एक दूसरे को जो है फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मतलब इस तरीके से है, एक के बाद एक, और जो आमने सामने है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है वन सही हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अदरवाइज कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप जो है चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, वहां पर आप पूछ सकते हैं, आपके जो है हर एक डाउट जो है क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, किसी निश्चित कुट भाषा में एक्सल को 44 और वर्ड को 56 जो है लिखा जाता है, तो उसी में जो है हेवन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जो है डिकोड कर लेते हैं किसको, एक्सल को, ई एक्स सी ई और एल, ठीक है, ये आपका कितना है एक्स, ई होता है आपका 5, एक्स कितना होता है आपका, एक्स होता है आपका 24, सी होता है आपका 3 और ई होता है आपका 5, एल होता है आपका कितना 12, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो 44 नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐड करके देखने, ऐड हो सकता है एडिशन करके आ जाए, 24 और 5 कितना हुआ आपका 29, 29 और 3 होता है आपका, 29 और 3 होता है आपका 32, 32 और 5 37, 37 और 12 39, 49, तो ये आपका जो है ऐड करके आपका आएगा यहाँ पर कितना 49। देखिए लिखा गया है आपका 44 लिखा गया है, मतलब आपका कितना यहाँ पर जो है माइनस किया गया है आपका जो है 549, 5 जो है आपका माइनस किया गया है। अब 5 किस हिसाब से लिया गया है ये देखिएगा, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे 5 वर्ड है, तो हो सकता है 5 इन्होंने कटा दिया हो, तो ये आ गया आपका 44, ठीक है। वर्ड तो देखिए W O R और आपका D, वर्ड को लिखने हैं 56, W X मतलब ये हो गया आपका 23, O हो गया आपका कितना 13 14 15, R हो गया आपका जो है कितना 18 और D हो गया आपका 4, 18 और 4 22, 22 और 23, 22 22 44, 45, 45 और 15 50 और 60, ये हो गया आपका कितना 60, इसको जो है हम यहाँ पर जो है 60 लिख देंगे। अब 60 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 56 लिखा जा रहा है, वर्ड में कितने जो है अक्षर है 4 है, 4 जो है आप माइनस कर दीजिएगा, आपका कितना आ गया 56। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये जो डिकोड करना आ गया होगा, इसी प्रकार जो आप हेवन को कर लें, मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, आप जो कर लेंगे आराम से, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये आपका जो है सीट को TIJJ लिखा गया है और ट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको जो है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आपका यहाँ पर सीट SEE और आपका कितना टी, ठीक है। सीट को क्या लिखा गया है TIJ और फिर से जो आपका J, ठीक है। तो S4 कितना होता है, S होता है आपका 19 और आपका E होता है 5, A होता है आपका 1 और T होता है आपका 20। P होता है कितना आपका 20 और आपका I होता है 9, J होता है 10 और J होता है आपका 10, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या गया है। अगर 19 से यहाँ पर 20 में चले गए हैं, ऐसे तो इस तरीके से गए नहीं है ये यहाँ पर, ये TT तो मैच कर रहा है लेकिन S का J हो गया है, नहीं है ऐसा कुछ। और क्या E को J में, A को I में, नहीं। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबली क्या क्या गया होगा, यहाँ पर जो है इसमें +1 कर दिया गया है, यहाँ पर जो है इसमें -4 कर दिया गया है और यहाँ पर इसमें जो है +9 कर दिया गया है और यहाँ पर इसमें जो है +10 कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इसको हमने जो है डिकोड कर लिया, अदरवाइज इसमें कोई और जो है सीक्वेंस यहाँ पर बनती नहीं दिख रही है। तो इसी प्रकार जो है आपको किसको लिखना है, ट्री को लिखना है। तो देखते हैं TREE ट्री, टी हो गया आपका 20, आर हो गया आपका 18, ई हो गया आपका 5, ई हो गया आपका फिर से जो है 5, ठीक है। तो आपको जो है +1 कर दीजिएगा, +1 अगर आप यहाँ पर करोगे 21 मतलब P2RSTU, तो U से स्टार्ट होगा, देखिएगा हाँ हमारे पास ऑप्शन है दो यहाँ पर जो U से स्टार्ट हो रहे हैं। R, R में अगर 4 जोड़ दिए मन सॉरी 4 घटा दें, यहाँ पर माइनस हुआ है तो 14 का मतलब हो गया आपका N, E5 नहीं ये देखिएगा हाँ एडिशन है ये आपका, वही तो मैं बोलूँ आखिरकार कैसे हुआ ये N आ रहा है जबकि वहां पर जो है ऑप्शन में N है ही नहीं। तो आप जो है देख कर चलिएगा साथ साथ में ऑप्शन को, ये नहीं कि आपने क्वेश्चन कर लिया फिर आपको गलत पता चला तो उसमें आपका काफी टाइम लगता है। हाँ तो आज जो है आपको ये कंसिडर करते रहना है। तो 18 और 4 22 होता आपका TUB, ठीक है। अभी दोनों ऑप्शन में बी है हमारे पास, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी, सेकंड और थर्ड तो वैसे ही अपना आप कट गए क्योंकि पहला अक्षर जो है यू से स्टार्ट नहीं है। अब ई, ई होता आपका 5, यहाँ पर क्या किया गया है फिर से जो है आपका 9 जोड़ा गया है और 9 में अगर 5 जोड़ गया आप आ जाएगा आपका 14 का मतलब होता है आपका N। तो अभी तक N भी जो है दोनों ऑप्शन में विराजमान है। अब देखते हैं लास्ट, लास्ट में क्या है आपका E, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिएगा 20 से गए हम यहाँ पर 10 में तो TJ, यहाँ पर जो है आपका -10 किया गया है, -10 अगर आप यहाँ पर करेंगे तो 5 ही चला जाएगा और 5 ही उधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा U, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 8 दोस्त एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, आर उत्तर पश्चिम भी बैठा है, आर और पी बिगड़ते एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 8 दोस्त हैं और एक आयताकार मेज है, तो सबसे पहले हम जो है एक आयताकार मेज यहाँ पर जो है ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। आयताकार मेज होगी, 8 दोस्त, कुछ 4 तो बैठे होंगे कॉर्नर पर और 4 बैठे होंगे यहाँ पर मिड में, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आर उत्तर पश्चिम में बैठा है, देखते सबसे पहले यहाँ पर ये हुई आपकी पूरब पश्चिम, उत्तर मतलब नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपकी ईस्ट और ये हो गया आपकी वेस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं आर उत्तर पश्चिम में बैठा है, अब आर उत्तर पश्चिम ये है उत्तर और पश्चिम, तो आर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है।
आर और पी बिगड़ दे गुस्से के सम्मुख बैठे हैं, तो इसका बिगड़ा आपका यहाँ पर बनेगा पी, यहाँ पर हो गया ठीक है। जबकि वी और यू बिगड़ते एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, अब कहाँ पर बैठे हैं हमको अभी तक ये नहीं पता है, तो छोड़ देते हैं इसको। डब्लू पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, डब्लू पश्चिम दिशा की ओर, अब पश्चिम दिशा कौन सी है देखिएगा, ये होगी आपकी पश्चिम दिशा ये वाली ठीक है, ये पश्चिम दिशा है, तो आपका यहाँ पर क्या बैठा है आपका डब्लू ठीक है। और क्यू पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर क्योंकि पूर्व की दिशा इधर की ओर जो है अभिमुख है। और एस ठीक आर तथा तो बी के बीच बैठा है, अब देखिएगा आर और बी अभी तक आपको मिले, आर ये मिला है ठीक है, और बी आर और बी, आर तो हमें मिल गया है ठीक है, बी और देखना है एस बैठा है ठीक है आर और बी के बीच में ठीक है। तो अब देखिएगा आपका अगर यहाँ पर बी होगा तो आपका जो है एस यहाँ पर बैठ जाएगा ठीक है, एस उधर बैठ जाएगा। अब इधर क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि इधर जो है डब्ल्यू आ चुका है तो यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, अब बची है एक पोजीशन, जो आपकी जो है यू बचा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा यू, जो कि हमने पढ़ा था ये वाले, ये वाला जो है हमने छोड़ा था अभी। बी और यू बिगड़ते एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, और देखिएगा बी और यू जो है एक दूसरे के जो है बिगड़ते सम्मुख भी हो गए ठीक है, तो हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रही है, सारी ठीक है। टी किस दिशा में बैठा है, अब हमको बताना है टी किस दिशा में बैठा है, अब देखिएगा टी वेयर इज टी, हमने शायद इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब टी किस दिशा में बैठा है, बी और यू ये हो गया आपका, और एस आर तथा बी के बीच में बैठा है, एस आर और बी के बीच में बैठा है ठीक है, यहाँ पर एस बैठा है, लेकिन तो यहाँ पर जो है ये आपकी जो साउथ है, हाँ सॉरी ये आपकी साउथ है, ये एस नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका टी बैठेगा ठीक है, तो टी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब टी को ये पूछ रहा है किस दिशा में बैठा है, तो टी आपका जो है साउथ में बैठा है ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये जो है आपकी दक्षिण बिल्कुल यहाँ पर सही, तो सही होगी साउथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहले से संबंधित है, देखिएगा वर्ड और इसको जो है इस तरीके से लिखा गया है, इसको क्या आपका जो है लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको सबसे पहले हम जो है यहाँ पर डिकोड कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो है बोर्ड, तो बोर्ड को जो है सबसे पहले जो है आप जो है यहाँ पर लिखें बी ओ ए आर और आपका जो है डी ठीक है, तो यह हो गया आपका बोर्ड, और ये जो है बी एस ई एल और आपका क्या हो गया आपका एक्स ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर एल है, बी जे एफ एल एक्स सॉरी बी एस एफ बी एस ई एल एक्स, थोड़ा सा जो है लिखने में प्रॉब्लम चल रही है सिस्टम में हमारे ठीक है, बी ओ ए आर डी ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। बी जो है आपका 2 हो गया, वो हो गया आपका कितना 15, ये हो गया आपका नंबर 1, आर हो गया आपका 18 और डी हो गया आपका 4 ठीक है, इसके जो अकॉर्डिंग है, और फिर से जो है बी आपका हो गया 22, एस हो गया आपका 19, ई हो गया आपका 5, एल कितना हो गया, एल हो गया है आपका 12 और एक्स हो गया आपका कितना 24 ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है, 2 को लिखा गया है 22, मतलब -6 कर दो आप तो पहुंच जाओगे आप 22 पर, यहाँ पर जो आपको क्या किया गया है -6, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो है आपका 15 और 19, इसमें जो है आपका यहाँ पर +4 किया गया है, +4 ठीक है, और 1 और 5 यहाँ पर जो है आपका क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है आपका फिर से जो है +4 और 18 और 12, मतलब यहाँ पर आपका -6,
चार और 24 फिर से जो है आपका माइनस 6। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर इसको डिकोड कर दिया है, आपको जो है सेम पैटर्न जो है इसमें फॉलो करना है और आपको जो है आंसर आपका मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, किसी निश्चित पूर्ण भाषा में JET को टैट और MET को WAN लिखा जाता है, उसी कुड़ भाषा में केयर को लिखना है, ठीक है। जेट को लिख दिया हमने जो है टैट, अब देखते हैं यहां पर जेट को टैट जो है किस प्रकार से जो है ये बनाया गया है। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर आपका जेट, JE और आपका टी, टैट TE और आपका कितना डी, टेट, जेट और टेट, मैट को वैन लिखा जाता है, उसी कुड़ भाषा में केयर को लिखना है। अब देखिएगा जे जो है आपका कितना होता है, जे होता है आपका कितना होता है 10, ई होता है आपका कितना 5, टी होता है आपका 20, ठीक है, टी हो गया आपका 20, ई हो गया आपका 5 और टी हो गया आपका कितना 4। तो देखिएगा 10 से यहां पर 20 में गए हैं, जे से डी में गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ई को यहां पर हो सकता है इन्होंने सेम लिख दिया हो, ठीक है, एक को आपका ये हो गया, और यहां पर जो है इन्होंने +10 कर दिया है सिंपल, और यहां पर भी जो है इन्होंने क्या किया गया है 20 में जो है यहां पर भी जो है +10 किया गया है। 10 कैसे किया गया है देखिएगा, 6 तक जाएंगे 26 हो जाएगा, फिर जो है 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जो किया गया है, क्या मैड में और मैन में भी इसी प्रकार का किया गया है। देखिएगा एम कितना होता है, एम होता है आपका 13 और डब्ल्यू होता है आपका 23, मतलब 10 जोड़ा गया, ए को ए लिखा गया और डी को फिर जो है एन लिखा गया, डी होता है 4 और 4 में जो है 10 जोड़ेंगे जो एन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और एन आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार लिखा गया है यहाँ पर, देखिए पहले 10 जोड़ा गया बीच वाले को इसी तरीके से, और इधर जो है यहाँ पर जो है आपका 10 जोड़ा गया है। तो उसी कूट भाषा में जो है हमें जो है केयर को लिखना है। अब देखिएगा इसमें बीच वाला नहीं है, यहां पर होगा आपका क्या ये बोबल्स, केयर की बात करें तो केयर में जो है सी 3 हो जाएगा, 3 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो 13, मतलब यहां पर जो है एम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ए की बात करें, ए को ए लिखा जाएगा क्योंकि वो बोबल्स है, बोबल्स को इसी तरीके से लिखा जा रहा है। आर, आर की बात करें, आर 18, 18 और 10 28, मतलब जो है 2, तो यहां पर जो है बी आ गया आपका, ठीक है। और ई, ई हो गया आपका 5, 5 में आप 5 को 5 लिखेंगे क्योंकि ई भी जो है आपका वोवल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या आएगा एम ए डी ई जो है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ जोड़ है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ए का अर्थ घटाना है, तो इसको जो है इस क्वेश्चन को जो है आप खुद ही कर लीजिएगा, कोई इसमें जो है करवाने वाली ऐसी कुछ खास बात है नहीं। लघु विशाल का एक कण, तो देखना है जैसे छोटे से जो है बड़ा बनता है उसी प्रकार कण से क्या बनेगा, कण से पूरी पृथ्वी बन सकती है, देखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अपर अब परमाणु धूल, ठीक है, धूल बनती तो है कण से लेकिन संपूर्ण विमुखता, विमुखता तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण इसका जो है सही हो जाएगा, कण कण से जो है एक आदमी जो है या कुछ भी चीज जो है वो संपूर्ण होती है। जिस तरीके से जो है विशालकाय लघु से छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है विशालकाय, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 15 देख लेते हैं, उस संख्या का चयन करना जो निम्न पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया का किया गया होगा, देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9 पर लिख रखे हैं वो किस तरीके से, मतलब 5 से उनसे 115 बनाया, 6 से 206, 7 से ये वाला, 8 से ये वाला, 9 से ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का होता है। देखिए अगर आप 5 की जो है यहाँ पर जो है क्यूब करते हैं तो आपका कितना आता है, 5 की क्यूब आपका होता है कितना होता है 125, मतलब 5 × 25 और 25 × 125 और जो है आप जो है माइनस वहां से जो है 10 कर दें, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 115, ठीक है। अब देखते हैं 6, क्या 6 में भी ऐसे क्या गया, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 और 36 को आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर कितना
छह से, ठीक है, 36 मल्टीप्लाई छह, तो ये आपका होता है 6 की क्यूब कितना होता है 36, ये आपका होता है 216, और 216 में से आपका जो है 10 घटा दें तो आपका जो है 206 बनता है, बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार जो है 8 का देख लेते हैं, 8 का जो है क्यूब होता है, 8 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए ये सब, 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 10 घटा दिया 502 आ गया, और जो है 9 का क्यूब होता है आपका 529, उसमें से 10 घटा दिया आपका 719 आ गया। तो इसी प्रकार जो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है, 7 का क्यूब होता है आपका 343, ठीक है, इसमें से आप जो है 10 घटा दीजिएगा तो 10 घटा के आपका कितना आएगा 333, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस निश्चित कूटभाषा में सी को 3, ठीक है, सी को क्या लिख दिया है इसने जो है यहाँ पर 3, और डैम, डैम को जो है यहाँ पर 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मतलब डैम डी ए और आपका कितना एम, इसको जो है 6 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूटभाषा में हैंस को लिखना है, ठीक है। तो देखिए सी मतलब 3 ठीक है, सीधा सीधा सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन डी ए एम, डी 4 होता है, ए आपका 1 होता है, और एन एम आपका जो है 13 होता है, तो किस तरीके से लिखा गया है ये आपको जो है देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आया आपका यहाँ पर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, ये आपका अगर इसका हम एडिशन करते हैं डी ए एम का, तो डी 4 ए 5 और 13 और 5 कितना हो गया 18, तो यहाँ पर जो है इसका एडिशन करते हैं तो आपका जो 18 आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कितना 6, तो ये देखिएगा 3 अक्षर हैं, अगर हम जो है 3 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका 6 बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 6 की 18। इसी प्रकार यहाँ पर जो है इसको 1 से डिवाइड किया गया होगा, और हैंस को देख लेते हैं, एच कितना होता है वो आपका, एच होता है आपका, एच हो गया आपका कितना डी, एच हो गया आपका 8, और ई हो गया आपका 5, और एन हो गया आपका 14, और सी हो गया आपका 3, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना ई, फिर से 5, तो ये आपका बैठेगा यहाँ पर 35, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है, तो 35, और ये टोटल जो है कितने कितने अक्षर हैं, ये आपके जो है 2, 2, 4, 5 हैं, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 5, 7, 35, तो आपका कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 4 तो आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है दर्पण का है, दर्पण का बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, जिन लोगों को नहीं आएगा वो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और वहां पर जो आप पूछ सकते हैं बता दूंगा, नो डाउट, और जो है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। थोड़ी सी लिखने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ा सा जो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ये सॉर्ट आउट कर ली जाएगी जल्दी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 8 छात्र एक गोल मेज के परीत बराबर दूरी पर जो है आपके जो है बैठे हैं, अब 8 छात्र हैं बराबर दूरी पर, उनको जो बढ़ा दीजिएगा 4, ये हो गए आमने सामने, और 4 हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गए आपके कितने 8 छात्र। यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो एच किस दिशा में बैठा है, अब बात हो रही है यदि बी उत्तर पूर्व, तो सबसे पहले ये आपकी जो है ईस्ट, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट इधर होती है, वेस्ट इधर होती है, और नॉर्थ होती है आपके सिर की तरफ, और साउथ होती है आपके पैरों की तरफ, ठीक है, ईस्ट होगी आपके जो है राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड, तो आपको जो है ये चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, यदि बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, उत्तर और पूर्व, तो आपका जो है बी यहां पर बैठा है, ठीक है, तो एच किस दिशा में बैठा है, तो देखिएगा आप इसको जो है यहाँ पर सेटिंग कर लीजिएगा, ए इधर हो गया आपका, और सब एक ही साथ बैठे हैं, सी डी आपका कितना ई एफ और आपका जो है जी और एच, एच को ही पूछ रहा है, तो आपका एच का कौन सा आ गया साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व में जो है बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करना है जो चौथी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है,
28 145 और इसका जो है संबंध दिखाना है किसके साथ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या क्या गया होगा, 28 को क्या हुआ होगा जो 145 बने, क्या मल्टीप्लाई की गई होगी, 28 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या क्या गया होगा। 28 का अगर हम टेबल देखें, 28 का अगर हम टेबल देखें तो 28 चौक कितने होते हैं, 28 चौक होते हैं आपके 112, नहीं तो 28 पंजा देखें, 28 पंजा आपका 140, 28 पंजा 140, अब इसमें 5 जोड़ दें, 28 पंजा आपका होगा 140 और उसमें फिर से आप जो है 5 जोड़ दें तो आपका ये आपका आ जाएगा कितना 145। तो हो सकता है कि ये पैटर्न फॉलो किया गया है क्योंकि यही बनता दिख रहा है, अदरवाइज तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा नहीं दिखने लग रहा है। तो उसी तरीके से देखते हैं, 20 मल्टीप्लाई 5 तो आपका हो जाएगा 200, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 5 नहीं कम रहेगा, 19 से देखते हैं, 19 मल्टीप्लाई 5 95 5 जोड़ेंगे तो 100, ठीक है। हाँ आपका जो है ये इससे बना है ऑप्शन नंबर 3 से, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोई भी जंगल पेड़ नहीं है, कुछ पेड़ लंबे हैं और कोई भी पौधा लंबा नहीं है, तो इस तरीके की जो आपको ये दिया गया है इसका जो है पेन डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी जंगल पेड़ नहीं है, ये आपका हो गया क्या जंगल और ये हो गया आपका क्या पेड़, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो हमने अलग अलग बना लिए। कुछ पेड़ लंबे हैं तो कुछ पेड़ जो है आपका जो है लंबे हैं, ठीक है, ये लंबे पेड़ों की श्रेणी होगी। कोई भी पौधा लंबा नहीं है, कोई भी पौधा पौधा हो गया आपका ये और ये है आपका पेड़, ठीक है, तो आप जो है ध्यान रखिएगा पेड़ और पौधा। तो देखते हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सभी पेड़ लंबे हैं, सभी पेड़ लंबे हैं नहीं, कुछ हैं, ये भी आपका जो है गलत। कुछ जंगल लंबे हैं, कुछ जंगल लंबे हैं नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो आपका ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, 117 98 80 47 32, ये जो है घटता क्रम है। आखिरकार मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या क्या गया होगा, आपको ये जो है चेकआउट करना है, देखना है। तो सबसे पहले वही डिफरेंस डिफरेंस निकालिएगा, 117 और 98, 98 और 200 मतलब यहाँ पर आपका 19 और 98 और 80 का डिफरेंस कितना होता है, 80 90 18, ठीक है, और ये आपको जो है बताना है, ये हमको नहीं पता चल सकते अभी। तो 47 और 32 का देखते हैं, 32 और 47 8, अगर 8 32 और 8 40, 40 8 और 7 7 14 और यहाँ पर हो गया आपका 15, तो कहीं इन्होंने 15 16 17 तो नहीं जोड़ दिए, देखिए यहाँ पर 16 फिट बैठेगा और यहाँ पर आपका 17 फिट बैठेगा। और अगर आप जो है 47 में जो है आप जो है कितना जोड़ दें, 16, तो कितना आएगा, 6 12 13 का 3 हासिल लगा 1, और कितना जोड़ना है, 4 और 1 5 और 1 6 63 63 बनेगा, और आपका ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल सही होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, काफी अच्छी सीरीज थी ये। कागज को मोड़कर, ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, वैसे तो कराना नहीं चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। अब कागज जब मुड़ेगा सबसे पहले जो है इधर खुलेगा यहाँ पर, तो एक गोला यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, एक गोला आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये ट्रायंगल जो है आपका ये चला जाएगा आपका ऊपर, ट्रायंगल ऊपर आ जाएगा आपका और ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसको, कोई कराने वाले कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, पुरुष स्केटर भूरे वाले लोग, तो इनमें जो है हमसे जो है संबंध पूछा है, तो कुछ पुरुष, ठीक है, ये आपके हो गए पुरुष स्केटर जो स्केटिंग करते हैं, तो इसमें से कुछ आपके जो पुरुष स्केटिंग जरूर करते होंगे, ये आपके स्केटर हो गए, भूरे वाले लोग, अब कुछ लोग इसमें भूरे वाले लोग होंगे, ठीक है,
तो इसमें जो है ये जो है तीनों होंगे, ये आपका जो है यहाँ पर यूनिक है, ऑप्शन नंबर वन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और ये कुछ इस तरीके की आकृति है, और देखिएगा ये जो है यहाँ पर जो आपको मिल ही जा रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर सही है, नो डाउट। ये इस तरीके के क्वेश्चन कराने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है पैटर्न दिया गया है, उसको जो है आपको ध्यान पूर्वक देखना है पैटर्न को, और वह जो है आपको जो है यहाँ पर फॉलो करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 6 12 78, 6 15 99, 3 13, यहाँ पर मोस्टली क्या क्या गया होगा, दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 दुनी 12 और 6 की 12 चंग 72, 72, 72 से 78 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। अब 6 हो सकता है इसने ये जोड़ दिया हो पहले वाला, और इनका डिफरेंस भी 6 है, तो ये भी हो सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर 15 छक्का 90 है, 15 छक्का 90, 90 से 99 बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पर जो है 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 अगर 6 जोड़ेंगे नहीं आएगा, क्या इनका डिफरेंस 6 6 12 13 14 15, हाँ इनका डिफरेंस है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है डिफरेंस है, डिफरेंस को जोड़ा गया है, तो 13 और 3 डिफरेंस हो गया आपका कितना, 10 और 13 आपका कितना हो गया, 39, और में आपका जो है जब जब जोड़ेंगे 10 जोड़ने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 49, तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ आपका सही है, 49। तो इसी के साथ जो है आपका ये वाला सेट होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है जो ट्रिक्स है जो आपको समझाना है वो पसंद आया होगा। थोड़ी सी सॉरी, क्योंकि थोड़े से जो है राइटिंग प्रॉब्लम अभी चल रही है, अगली नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, और इसी के साथ जो है वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।